क्या बन रहा है आज? देखिए छोला और पूरी। कहाँ है छोला? छोला कुकर में है। इधर लाओ, प्लेट में निकाल के देती हूँ। तो आज का मेन्यू है, दिख नहीं रहा, समोसा डिजाइन का पूरी है। मेरे घर में हमेशा से ऐसे ही बना है। हाँ, ये मम्मी से ही सीखे। ये पराठा वाला पूरी ना, टिकना। जबकि मैं तो गोल गोल बनाती हूँ। और सब्जी तो अच्छा दिख रहा है। चले और पूरी। सही है। छोले पूड़ी और दूध, ये है आज का मेन्यू। और कुछ नहीं, आपके तरफ से? चलो फिर। बोल रही थी गर्मी बहुत बढ़ रहा है। अच्छा, तो क्या किया जाए? आप बताइए, आपका घर है। तब क्या, एसी लगाएं? एसी सपोर्ट करेगा। अच्छा, हमारे घर में शायद कूलर है। एक मिनट रुकिए, पहले हम टॉर्च लेंगे। हम बोले थे अंधेरा है। चलो चलो। आपको कैसे पता है कूलर ऐसी जगह होगा जहाँ अंधेरा होगा? अभी इसका यूज नहीं है ना। रुको, हम फ्लैश चलाते हैं। अरे सही में यार, कूलर तो है, इसे निकालना पड़ेगा बाहर। ये गंदा होगा, इसको साफ करना होगा। रुक जाओ, इसके अंदर पता है चूहा भी हो सकता है। और ये कार्ड देख रहे हैं आप लोग? गार्ड अब रहने ही दो, इसका बात मत कर भाई। इसको कैसे निकालें? मैं हेल्प करती हूँ भाई, इसको पकड़ना होगा। हाँ, मैं करती हूँ। अरे देखे हम चूहा क्या किया है, देखे छेद है, छेद है। अच्छा देखते हैं। बाप रे, ये अंदर पता नहीं कैसा है, चला के देखते हैं। मेरा देख लेते हैं चूहा। देखिए इतना हैवी है, अकेले उठा के लाए हैं। निकल गया। अब क्या करना है इसका? चेक करके देखिए। हाँ, चेक करके इसमें चूहा वगैरह मरा होगा तो देखते हैं। देखो आप टॉर्च लेके भाई, कूलर तो हमको लगता है सही होगा। सिंफोनी जंबो, चूहा मरा है क्या? इधर एक होल है, तो हमको क्या लग रहा है चूहा होल बना के अंदर गया है, पॉटी किया है चूहा। ये बोलना जरूरी था। अच्छा, वो तो साफ हो जाएगा, वहीं से पानी डलता है। ठीक है, देख रहे हो ये हाई? नहीं, ये एम्प्टी, ये फुल, ये वाटर का लेवल का होगा इंडिकेटर। ठीक है, इसमें एक बार पानी डाल के पलट देंगे तो पॉटी निकल जाएगा। हाँ, वही करना होगा, साफ करना होगा एक बार। अब एक बार चला के पहले देख लेते हैं। चला के देखोगे क्या? हाँ। इधर कहाँ है? अच्छा, यहाँ इसमें डालना होगा। रुक जाओ, तो पकड़ो ये, तो नहीं आना चाहिए। बहुत हैवी लग रहा होगा ना, 4-5 kg होगा वेट इसका। वर्क ऑफ कर देते हैं पहले यहाँ से, ठीक है ना? ठीक है, डायरेक्ट नहीं तो करंट आएगा, पता नहीं चलेगा। रुक जाओ, स्विंग कूलिंग
थाई अभी वाटर नहीं है ना, तो डायरेक्ट वाटर वाला मत करिएगा। हाँ, वन टू थ्री गो। अरे आइए देखिए, आप भी कूलर चलने लगा और कूलर बिल्कुल मतलब सही कंडीशन में है, पसीना पसीना हो गया, थोड़ा भी आवाज़ नहीं है इसमें, बस गंदा है जो कि हम इसको साफ कर लेंगे। और कूलर के पास आ रहा, हवा आ रहा है, साफ होते ये एकदम परफेक्ट कंडीशन में आ जाए। सही है भाई, लगा नहीं था कि ये चलेगा, हम डर के चला रहे थे, पता है, डरते डरते डर के आगे जीत है भाई ये, और इसका टैगलाइन तो कूलर सक्सेसफुल हो गया अच्छा हवा आ रहा है ना ये, हाँ हवा तो अच्छा आ रहा है। आप एक बार दिखाते हैं इसका पावर, आप नीचे बैठे ना, देख इस कूलर का आपको दिखाते हैं इसका हवा कैसे उड़ रहा है, आप देखिए देखिए कैसे हवा इसको, हाँ तो ये कूलर बहुत ही पावरफुल है ये फिल्मों में जो यूज़ किया जाता है ना सेट पे, गानों पे, जिसमें हीरोइन का बाल लहराता है ये वही कूलर है नहीं सही में फिल्म में जो ऐसे वो कैसे करता है, ऐसे ही बड़ा बड़ा फैन लगा रहता है और उससे ऐसे उड़ता है और शॉट्स लेता है फिर फिल्म में, कभी वो मेकिंग नहीं आता है वीडियोस, वो कभी देखिएगा ना उसमें पूरा फैन वैन बड़ा बड़ा लगा रहेगा, वो दिखाएगा, वो दिखता है मतलब उन वीडियोस में। चलो ठीक है भाई।